हेलो गाइस, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका न्यूज़ पॉइंट। मैं लाया हूं आपके लिए मोटो ब्लॉगर यूट्यूब कम्युनिटी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग से अपडेट। अगर आप भी कुछ इंटरेस्टिंग सा करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो इसी के साथ चलते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे आलियान ब्लॉक्स की। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, आलियान ब्लॉक्स ने अपने हंक को मॉडिफाई करवाया था और उन्होंने काफी सारे चेंजेस करवाए हैं हंक में। आप लोगों को देखने का मौका नहीं मिल पाया तो इसी से रिलेटेड आलियान ब्लॉक्स ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने सारे अपनी बाइक के अपडेट्स वगैरह दिखाई है। छोटी सी क्लिप हम लोग दिखा देते हैं। अब आपको एक एक मॉडिफिकेशन बताता हूं मैं इसकी, ठीक है। फ्रंट से शुरू करते हैं तो सबसे पहले फेस देख लो हमारा, देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है अपना फेस। ये चेक कर रहे हो फ्रंट में कितनी खतरनाक टेपिंग कराई हुई है मैंने। एक मिनट में लाइट ऑफ करके दिखाता हूं आपको, एक मिनट। ये देख रहे हो फ्रंट से कुछ ऐसा लगता है, देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है। तो अब वापस ऑन कर लेते हैं इसको। गाइस यहाँ पे मैंने वेब जैसा पैटर्न बनाया हुआ, आप देख सकते हो लाइनिंग का, ये बहुत खतरनाक लग रहा है। और फ्रंट में हमारे दो हल्क, जैसे कि आपको पता हमारी बाइक का नाम हल्क है, तभी मैंने इस पे हल्क वाला रैप करवाया जो कि इसको बहुत खतरनाक लुक देता है। पहले ये आपको पता है कितनी ब्रॉड लगती थी, है ना, पहले ये कितनी ज्यादा ब्रॉड लगती थी, अब हल्का रैप लगा के और ज्यादा ब्रॉड लगने लगी है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या करवाया हुआ है। तो गाइस इधर नीचे मैंने अपना नाम लिखवाया हुआ आलियान ब्लॉक्स, और यहाँ पे भी थोड़ी लाइनिंग वगैरह की हुई है, और साथ में लिखवाया मैंने वैलेंटिनो रॉसी 46, दोनों साइड है, इधर भी है और यहाँ पे, चेक करो यहाँ पे भी है। बिकॉज आपको पता है मैं डॉक्टर का कितना बड़ा फैन हूँ, तभी मैंने हर जगह पे 46 लिखवाया हुआ है। तो गाइस अब साइड पे आ जाते हैं, और यार ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट है कसम से, देख रहे हो ना कितना खतरनाक लग रहा है। ये लुक चेक करो यार, पास से लुक चेक। सो जैसे कि वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आलियान ब्लॉक्स ने हर एक चीज के बारे में डिटेल में रैप वगैरह के बारे में बताया है कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस करवाए हैं, और छोटी मोटी मॉडिफाई उन्होंने जो भी अपडेट दिए हैं। आपको अगर वीडियो पूरा देखना है, चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप पूरी वीडियो देख सकते हो। और फाइनली हंक का लुक आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो इसी के साथ चलते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे आमिर माजिद की। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा आमिर माजिद ने ली है S1000RR, तो उसी की रिसेंटली उन्होंने एक्सप्रेशन वाली वीडियो डाली है पीछे आयराम माजिद को बैठाकर, और आयराम माजिद का एक्सप्रेशन कैसा रहा S1000RR पर बैठने के बाद, जब आइए देख लेते हैं। तो वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा आयराम माजिद का क्या खतरनाक वाला एक्सपीरियंस रहा, आमिर माजिद के पीछे एक्सप्रेशन उन्होंने जो दिए हैं भाई अल्टीमेट। वीडियो अगर आपको पूरा देखना है, चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के भाई वो वीडियो जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। सो इसी के साथ चलते हैं अब अपनी अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे मानिक तारी की। रिसेंटली आपको पता होगा कि मानिक तारी गए थे दिल्ली अपनी बाइक की डिलीवरी लेने, जहां पर मीटअप भी था, और वहां पे उनके साथ एक खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ, उसी के बारे में बताते हुए मानिक तारी ने कुछ वीडियोस अपलोड की हैं, आइए देख लेते हैं। तो भाई पुलिस वाले कैसे बात कर रहे थे, फिर भी अपने भाई लोग दिल्ली वाले जो थे जो हमें प्यार करते थे भाई, वो फिर भी नहीं जा रहे थे। तो गाइस आपको सबसे पहले मैं एक क्लिप दिखा देता हूं, अभी क्लिप देखो। धक्का भी दे रहे, मतलब क्यों कर रहे हैं, पता कि नजर लग रहे हैं, तो जा तो रहे हैं, पता कि नजर लग रहे हैं, चलते हैं। चलो यहाँ पर मत खड़ा, चलो धक्का नहीं देना क्या आराम से बात कर लो, धक्का क्यों दे रहे हो, आराम से बात कर लो ना। सो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा, मीटअप पर बहुत ही खतरनाक वाला क्राउड आ गया था, तो इसकी वजह से पुलिस को वहां पर जाना पड़ा और सबको वहां पे डंडे मार के उन्होंने भगाया, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैफिक हो रही थी, उसकी वजह से पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। और वीडियो क्लिप आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पूरा देखना है तो चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के मानिक तारी के चैनल पर पूरी वीडियो देख सकते हो। सुशी के साथ चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे मेहरब शेख की। रिसेंटली मेहरब शेख ने अपने वीडियो में बताया कि वो टनल के अंदर से जा रहे थे, तो अचानक से बाहर टनल के जो इंजीनियर थे उन्होंने उन्हें रोक लिया, धमकियां देने लगे कि पुलिस को बुलाएंगे तो मैं अरेस्ट करवाएंगे। इसी के बारे में बात करते हुए मेहरब शेख ने क्या अपडेट दिया अपने वीडियो में, आइए देख लेते हैं।
ये हैवी सीसी बाइक है ना, 1000 सीसी। वो ठीक है, आप पटाखे निकाल रहे हो? नहीं सर, ये अलाउ है आपको पता सर, पटाखे की बात नहीं है भैया। नहीं सर, पता क्या है, सुनो लेकिन पता क्या है सर, ये 1000 सीसी बाइक है ना, आप 100-100 ट्रैफिक वाले 1000 सीसी बाइक है ना सर, तभी आवाज है। 1000 सीसी मेरे मुझवा कहते, कुछ भी हो जाए, कोई भी हैपनिंग होती है फिर मुझे आप बताओ कौन है। आप लोग ये और एक दो बाइक चलेंगे आराम से ऑनलाइन। तगड़ा सीन भी हुआ यार, अब देख लो यार, तुम तो तुम्हें तो पता यार, इनलाइन फोर है ऑलमोस्ट 1000 सीसी बाइक, शोर तो करेगी यार टनल में। उनने उनने हमें रुका दिया, मतलब क्या झटके से रुकाया, बैरिकेड्स आगे डाल दिया, हम गिर भी सकते थे लिटरली बता रहा हूँ। फिर क्या सीन हो गया, फिर वो बोलने लगे रुको आपके लिए कॉल आई है कुछ, हमें लगा नॉर्मल होगा, फिर भाई वो आगे से आए बोलते चलो इनको बोलते चलो पुलिस को बुलाओ, ये करो, भाई बात तो कर लो पहले एटलीस्ट यार, बात करो पहले, पूछो क्या है, बोलते पटाखे मार रहे हो, पटाखे मार रहे हो यार, सुन तो लो, पटाखे नहीं मार रहे हैं, जैसे 1000 सीसी बाइक, ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन भी उसी हिसाब का है, ठीक है, फ्यूल इस हिसाब फ्यूल इतना ज़्यादा कंज्यूम करती है ना कि जो अनबर्न फ्यूल हो जाता है ना वो फिर बाहर एज अ बैकफायर निकलता है, इसको पटाखा नहीं बोलते गाइस, ठीक है, सो समझो इस बात को। So, वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा, मेरे अभिषेक ने काफी अच्छी तरीके से उन्हें समझाया और एक्सप्लेन किया कि 1000 सीसी की बाइक है, इतना तो वो शोर करेगी ही। So, वीडियो अगर आपको पूरा देखना है, चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप मेरे अभिषेक की पूरी वीडियो देख सकते हो। So, फिलहाल आज के स्टोरी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नए मोटो ब्लॉगर और यूट्यूबर्स के अपडेट के साथ। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी चलोगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसी तरीके से वीडियो देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं।